हेलो फ्रेंड्स, पिंगाइटी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको चैनल से जुड़ी हुई अपडेट समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप विंडोज 7 या विंडोज 7 के किसी भी वर्जन का प्रोडक्ट की डाउनलोड कर सकते हैं। इवन आप विंडोज 10 के भी प्रोडक्ट की फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो विंडोज़ के जो प्रोडक्ट की होते हैं दोस्तों, ये आपको बहुत सारे अदर ऑप्शन से भी आप ढूंढ सकते हैं। इन केस अगर आपके पास विंडोज़ का सीडी है, आपने परचेज किया है, तो सीडी पे आपको मिलेगा प्रोडक्ट की। या अगर आपके लैपटॉप के साथ विंडोज़ 7 या अदर विंडोज़ वर्जन प्री इंस्टॉल्ड आया है, तो आपके लैपटॉप के बैक पैनल पे आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट की। बट एक सबसे सिंपलेस्ट वे है दोस्तों चेक करने के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे इस लैपटॉप पे, मेरे सिस्टम पे विंडोज 7 इंस्टॉल किया मैंने। ये प्रोफेशनल एडिशन है और ये एक्टिवेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज एक्टिवेटेड और ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। अगर मैं चेंज प्रोडक्ट की पे क्लिक करूँ तो भी मुझे विंडोज का प्रोडक्ट की नहीं मिले, ठीक है। तो इसके लिए आपको दोस्तों डाउनलोड करना है बीलैक एडवाइजर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक एप्लीकेशन है, इसके थ्रू आप विंडोज़ के प्रोडक्ट की फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसे रन करोगे तो आपको जाना है सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस में। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज 7 प्रोफेशनल, और यहाँ पे ये इसका प्रोडक्ट की आपको मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों इस प्रोडक्ट की को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं विंडोज 7 प्रोफेशनल के लिए, ठीक है। इससे आपके विंडोज 7 प्रोफेशनल की 6 मंथ की वैलिडिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए अगर यूज़फुल है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।